शैलेंद्र गरुण ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। भारतीय समाज आज भी जाति में विभाजित है, वो एक साथ नहीं रहना चाहते। बलात्कार जैसी घटना का विरोध भी अपने जाति समूह के साथ किया जाता है। कोरोना काल में हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, लेकिन हाथरस जैसे गांवों में जाति के कारण पहले से ही सोशल डिस्टेंस लोग रखते हैं, या बिखराव कैसे दूर हो। जैसे जैसे व्यक्ति समझेगा ये विभाजन दूर होंगे। और तुम यकीन मानो, ये राजनेता, ये मीडिया, ये रिलीजन यानी कि जो मजहब हैं, संप्रदाय हैं, वो कोई नहीं चाहते कि लोग समझें, क्योंकि एक ही पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। जब तक लोगों को डिवाइड किया जाएगा तभी तक उन पर शासन किया जा सकेगा। जब ये बांटने की राजनीति लोगों को समझ में आ जाएगी तो उनको शासित करना मुश्किल हो जाएगा। जातियां एक अभिशाप हैं, उन्हें धीरे धीरे जो भी पढ़ा लिखा युवा है, समझदार है, उसे दूर करना चाहिए। हम किसी दूसरे की तरफ क्यों जाएं? पूरे समाज में बदलाव आए ये आवश्यक नहीं है। हम जो जो लोग समझें वो उसको दूर करना शुरू करें। धीरे धीरे हो सकता है बात आगे बढ़े और एक व्यापक बदलाव लेकर आए। अब हाथरस जैसी घटना का जिक्र किया, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन जितना मैं न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखा, मैं आजकल टीवी के न्यूज़ तो देखता ही नहीं। बलात्कार जैसी घटना किसी भी स्त्री के साथ हो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हम दलित और सवर्ण में क्यों बांटें? ये दलित और सवर्ण में बांटना, इसमें कितना रस तुम देखो मीडिया लेता रहा है। इस घटना में राजनीतिज्ञ तो लेते ही हैं, मीडिया को भी रस इस बात में है कि दलित की बेटी। अब तुम सोचो कि यही घटना सवर्ण की बेटी के साथ होती तो भी तो घटना उतनी ही जघन्य थी। सवर्ण की बेटी के साथ घटना होती तो क्या उसको अलग ढंग से पेश किया जाता? निश्चित ही मीडिया उसको अलग ढंग से पेश करता, क्योंकि दलित एक सेंसेशनल घटना बनती है। तो हम समाज में हमेशा सेंसेशनलाइज करने की, जो उनको सेंसेशनल चीजें ढूंढ पाए वैसी बनाने की कोशिश करते। कौन मीडिया ऐसे घटनाक्रमों में होता है जो तटस्थ होकर एक बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हुई केवल उसकी रिपोर्टिंग करे? नहीं, ये दलित वर्सेस सवर्ण हो जाएगा, ठाकुर ब्राह्मण हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, सबको उसी में रुचि है, क्योंकि इसमें लोगों को मजा आता है। हमको कोशिश करनी है कि जो जो लोग समझें वो इस पर जीना शुरू करें। और आज के वक्त में ये भी ध्यान रखें कि मीडिया पर इतनी निर्भरता भी नहीं है व्यक्ति की। सोशल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको अपनी बात कहने का आज एक अवसर आया है, तो उस अवसर का उपयोग करके अपनी बातें कह सकते हैं। तो अपनी बातें ऐसी कहें जो समाज में समरसता लाने वाली हों, उसको सुंदर बनाने वाली हों। घटनाओं को जातिगत या धर्मगत मोड़ देने की जरूरत नहीं है। गलत जो है वो गलत है, चाहे वो हिंदू गलत है तो गलत है, मुस्लिम गलत है तो गलत है, और कोई भी जो भी विभाजन हो वो गलत है। गलत के विश्लेषण को ऐसे न देखा जाए कि
अब ये मुस्लिम है तो इस पर ये बात नहीं कर सकते, ये हिंदू है तो इस पर ये बात नहीं कर सकते, दलित है तो इस पर ये बात नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी मूर्ताओं में लगे हुए हैं और उसको कैश करना चाहते हैं। जब तक लोग उसको कैश करना चाहेंगे, राजनीतिज्ञ और धर्मगुरु और ये माफिया और ये सारा जो कल्चर वल्चर ग्रुप है वो सब आता रहेगा और लोगों का शोषण करता रहेगा। तो जो जो व्यक्ति समझता है वो आगे चले। ये दलित समर्ण की बातें क्यों उठे, इन बातों को छिन्न भिन्न करिए। आज के पढ़े लिखे युवा से यही उम्मीद की जा सकती, लेकिन पढ़े लिखे युवा जो समझने की बात करते हैं वही तो उसमें पेट्रोल डालने का काम करते हैं, क्योंकि तभी तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी। तो वो खत्म करने वाले नहीं हैं, चुनाव आएंगे तब तो और बांटने की कोशिश करेंगे कि जाति को और कितना बारीक बारीक हम बांट सकें। उसी से वोट बैंक बनेगा। वोट बैंक देखो अपने देश में सब जातियों का वोट बैंक है, ये वोट बैंक इनके पास जाता वो उनके पास जाता है। तो वो कब चाहेंगे खत्म हो जाए, वो खत्म होने नहीं देंगे उसको, वो खत्म होने नहीं देंगे। लेकिन हम क्या चाहेंगे, हमको इस बात पर उठकर खड़ा होना होगा। बदलाव छोटा सा ही सही, किसी भी कोने से आए बदलाव आएगा। अब समाज में ये कैंसर बन चुका है तो बन चुका है, सीधे सीधे जाकर उसमें उलझने के बजाय जहां जहां कैंसर नहीं बन सकता है वहां वहां जो जो काम कर सकते हैं वो लोग वो काम करना शुरू करें, बस इतना कहा जा सकता है। और उम्मीद करी जा सकती है कि एक दिन समाज में व्यापक बदलाव भी आएगा।